सतना जिले की मझगवा जनपद पंचायत के ग्रामीण इलाकों में उल्टी दस्त का प्रकोप फिर शुरू हो गया है, जो काफी समय से थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते दिनों मझगवा ग्राम पंचायत के आदिवासी बस्ती भट्टन टोला में जहां दस्यों उल्टी दस्त के मरीज सामने आए थे, जिनमें से कुछ लोगों की मौतें भी हुई थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा ने स्वास्थ्य अमले के साथ पहुंचकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच शुरू की गयी थी। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कैलाशपुर इलाके में उल्टी दस्त का भारी प्रकोप शुरू हो गया है, जहां सबसे ज्यादा उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज ग्राम पनघट्टी में पाए गए। वहीं अब तक कुल 7 लोग उल्टी दस्त से पीड़ित गंभीर मरीज सामने आ चुके हैं। जानकारी के अनुसार गांव की एक बुजुर्ग महिला गोंदिया बाई की मौत भी उल्टी दस्त के कारण होने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस बात की अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है। गाँव में लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं और आए दिन नए नए मरीज सामने आ रहे हैं। लोगों के लगातार बीमार पड़ने का कारण अशुद्ध पानी बताया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक कोई भी स्वास्थ्य कर्मी इस बीमारी को फैलने से बचाने के लिए गांव में नहीं पहुंचा है। हालांकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है। वहीं उन्होंने बताया कि गाँव में उल्टी दस्त के पीड़ित मरीज होने की खबर मिली है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गाँव में भेजी जाएगी, जो स्वास्थ्य परीक्षण कर लोगों को दवा वितरण करने का काम करेगी और सभी बीमार पीड़ित मरीजों की जांच कर उन्हें उचित इलाज पहुंचाया जाएगा। घटी में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, अभी मैंने खंड चिकित्सक से बात की है, 10:30 बजे टीम वहां से मझगवां से भेज दी गई है और अभी मैं पता करता हूँ, शायद पहुँच के काम भी शुरू कर दिया गया है। 3 केसेस की न्यूज हमको भी प्राप्त हुई है। मैंने IDSP टीम को ही बोला है कि कल सुबह पूरी तैयारी करके वहाँ का भी स्टूल टेस्ट और वाटर का टेस्ट वगैरह शुरू